अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जी हम भी खैरियत से हैं। तो जी आज आप गाजरों को देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको गाजर के हलवे की रेसिपी दे रही हूँ। तो बिल्कुल सही समझे हो कि आज मैं आपको दे रही हूँ 5 किलो गाजर के हलवे की रेसिपी। तो जैसे कि मैंने गाजर को छील के, मेरे बच्चों ने मेरे साथ छिलवाया करवाया और उनको छील के साफ़ सुथरा करके इनको मैंने यहाँ पर धो के रख लिया। तो जी यहाँ पर मैंने ली थी 6-6.5 किलो गाजर थी। जब उनको हमने काट पीट के सफ़ा सुथरी करी तो ये हमारी 5 किलो गाजर तैयार हो गई है। तो बस इनको हमने धो के साफ़ सुथरा करके रख लिया है। तो बस अब हम इनको घिसेंगे और अपना घिस के अपने हलवे की तैयारी करेंगे। तो जी देखिए यहाँ पर मैंने गाजरों को जो मंगाई थी, जो गाजर, तो मैंने गाजर जो मंगाई थी, गाजर की हलवे वाली ही गाजर मंगवाई है, तो इसलिए हमारी लाल लाल गाजर है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि लाल लाल गाजर आए। तो बस चलिए अब हम अपनी गाजरों को घिसते हैं और मेहनत करते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है गाजर को घिसने में कितनी मेहनत लगती है। तो बस गाजर को घिसते हैं और अपने घिसने के बाद और हलवा बनाने की तैयारी करते हैं। जो तो जी देखिए कम से कम 2 घंटे की मेहनत का नतीजा है ये हमारी। 2 घंटे हमने घिसी है जब हमारी गाजर ये घिस के हो गई तैयार। तो बस अब हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। इतनी मेहनत करते हैं और आपके लिए रेसिपी डालते हैं और आपको तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी, आपको तो कुछ पैसा ही नहीं लग रहा सिर्फ़ एक सब्सक्राइब का बटन दबाने के लिए। तो प्लीज़ आप भी एक काम करिए कि आप भी एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। जब बेल आइकन आएगी ना तो उसको ऑल पे जाके टच कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी रेसिपी, आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो सब आपके पास पहुंच जाए। तो बस चलिए इसको बना करते हैं तैयारी बनाने की। कर दी। तो जी यहाँ पर हमने अपना दूध रख दिया था। हमारे 5 kg गाजर है और 5 kg हमारा दूध है। तो दूध में मेरा आ गया था बॉईल, और बॉईल आने के बाद इसके अंदर मैंने अपनी गाजर इसके अंदर शामिल कर दी। तो बस अब इसको हम पकाएंगे और बस खुशक करेंगे और इसको गाढ़ा करेंगे। तो बस जब तक के लिए मैं दिखाऊँगी आपको, खद्दा लगेगा बीच में तो मैं आपको दिखाऊंगी। गाजर हमारी ठंडी थी ना, तो दूध ऐसा हो गया कि जैसे दूध हमारा गर्म ही नहीं हुआ था, पर मैंने दूध में अच्छी तरह खद्दा लगा के और जब इसके अंदर मैंने शामिल करा था। जी देखिए ये हमारा हो चुका है गाजर का हलवा खुशक। दूध जो था इसके अंदर सारा दूध खुशक होने लगा। अब इसमें थोड़ा सा दूध बचा ही है। अब इस कंडीशन पे हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने का तरीका ये है कि मैंने यहाँ पर ली है 1 किलो चीनी। तो मैं जो हूँ 1 किलो चीनी इसके अंदर ऐड नहीं करने की, मैं इसमें से बचा रही हूँ। अगर मैं चख के देखूँगी अगर मुझे मीठा लगा कम, तो मैं इसके अंदर और चीनी ऐड कर लूँगी। तो फिलहाल मैंने इसके अंदर 1 kg से मैं चीनी बचा ली। तो बस अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करके बस इसको अंदर हम पकाएंगे। बस इस कंडीशन पे अब इसको हम इतना पकाना है कि हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल खुशक हो जाए। फिर उस कंडीशन पे आके हम इसके अंदर अपना ड्राई फ्रूट, मावा, घी, ऑयल वगैरह सब शामिल करेंगे, देसी घी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके अंदर 5 किलो गाजर में मैंने 5 किलो ही दूध लिया है। अगर आप चाहें तो दूध कम भी ले सकते हैं, 2.5 किलो भी ले सकते हैं, 3 किलो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बराबर का इसलिए लिया क्योंकि जब वो दूध उसके अंदर पकता है ना, तो जब वो दूध जो गाढ़ा होता है तो उसका जो है ना टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। तो अगर आप कोशिश करिएगा कि आप दूध बराबर ही रखें, दूध कम रख लो लेकिन उसमें इतना टेस्ट नहीं होता जितना बराबर का दूध रखने में टेस्ट होता है। तो बस इसके अंदर अभी हमारी चीनी मेल्ट हो गई। अब मेल्ट होने के बाद इसको अब हमें करना है खुशक। तो जी मैं यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट दिखा रही हूँ। तो जी मैंने यहाँ पर लिए हैं बादाम, काजू, पिस्ता और कलौंजी, और ये लिए मैंने 4 से 5 हरी इलायची। हरी इलायची को हम इसमें जस्ते में कूट लेंगे और कूटने के बाद इनका छिलका उतार के हम इसको इसके अंदर हलवे में अपना ऐड कर देंगे। उससे जो है ना बहुत अच्छी महक आती है, देखिए। और इनको हम अपने ड्राई फ्रूट को हम इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। आप अगर चाहें तो इसको मिक्सी ग्राइंड में भी डाल के इसको पिस्ता और ये कलौंजी निकाल के काजू, बादाम और पिस्ता ग्राइंड में, मिक्सर ग्राइंड में भी इसको मोटा मोटा दरदरा कर सकते हैं। हल्के हल्के हाथ से चला के हल्का सा चलाइए और पूरा बटन मत घुमाइएगा, हल्का सा चला के हल्का ग्राइंड कर लीजिएगा। अगर आप एकदम से मिक्सी घुमाएंगे तो वो बिल्कुल चूरा हो जाएगा, और अगर आप हाथ से चॉप करना चाहें तो इसको बारीक हाथ से भी चॉप कर लीजिएगा। तो बस अब हमारा देखिए हलवा भी काफ़ी हद तक मेल्ट होना शुरू हो गया, बहुत ही भाप हो रही है माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए
काफ़ी हद तक हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया, बहुत भाप हो रही है। तो जी देखिए यहाँ पर मैंने इलायची का पाउडर बना लिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर कम लिया, ज़्यादा नहीं लेने की मैं, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा जो है पसंद नहीं है इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची की खुशबू ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चों को इलायची की खुशबू ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने कम ही ऐड करी है, इतनी बहुत है, इसकी भी बहुत ही ज़्यादा महक आ जाएगी। ये मेरी 6 इलायची थी, उनको मैंने कूट के और अपना इसमें ऐड कर लिया। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा कर सकते हो, और अगर आपको पसंद ही नहीं है तो आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। तो जी ये देखिए हमारा जितना दूध था वो सब खुशक हो चुका है और कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो अभी यहाँ पर जो मैंने मीठा चेक करा था, जितनी मैंने चीनी डाली थी, देखिए 1 किलो में से मैंने बचा ली थी, तो उसमें से हमारा मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। तो अब इसके अंदर हम अपना देसी घी अपना ऐड करेंगे। ये देसी घी हमारा कम से कम 1 पाव के करीब होगा। अब जो भुनाई होगी हमारी देसी घी डालने के बाद, अब हम इसकी जो है भुनाई अपना देसी घी ऐड करने के बाद अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे 1 पाव बिल्कुल ठीक लग रही है, क्योंकि ज़्यादा जो ऑयल आता है ना तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि अब इसके अंदर देखिए दूध भी बहुत है, अपना दूध भी आप जानते हैं कि दूध भी अपना मॉइस्चर बहुत ज़्यादा छोड़ता है, अपना टेस्ट होता है दूध का भी। तो हमने दूध भी इसके अंदर बराबर का रखा है, और इसके अंदर अभी हम मावा भी ऐड करेंगे, तो इस वजह से इसके अंदर देसी घी जो है अपना 1 पाव के करीब बहुत है। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, कम ऐड करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। और अगर बहुत से लोग ऐसा करते हैं जो ऑयली ही ऐड घी जो है वो ऐड ही नहीं करते, सिर्फ दूध के अंदर और पर मावा और ड्राई फ्रूट वगैरह से ही बस इतना ही करते हैं, बहुत से घी तो ऐड ही नहीं करते। लेकिन हमने तो यहाँ पर खैर अपना देसी घी 250 ग्राम ऐड करा है। और अगर आप इसको कढ़ाई में बनाना चाहते हो तो आप कढ़ाई में बना सकते हैं। मेरी कढ़ाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा भारी है, तो गैस जो ज़्यादा उसमें ज़्यादा वेस्ट होता है, तो इस वजह से मैंने भगोने में बनाया है। अगर आप यहाँ पर कढ़ाई में बनाना चाहते हैं, हर चीज़ें सब भुनाई करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो बस अब हमने अपना देसी घी ऐड कर दिया इसके अंदर, अब हम इसकी भुनाई करते हैं अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पर हमारा हलवा अच्छी तरह से ऑयल घी डालने के बाद बिल्कुल वो भुन चुका है। अब इसके अंदर हम अपने नट्स शामिल करेंगे, और नट्स शामिल करने के बाद इसमें हम अपना मावा ऐड करेंगे। मावा भी और नट्स भी हमने थोड़े बचा लिए। देखिए कितना प्यारा कलर आया। बहुत धुआं आ गया। इसके अंदर हम अपना मावा ऐड करेंगे। अपनी आँच हमने अपनी बिल्कुल लो फ्लेम पे रख रखा है, गैस हमने बिल्कुल लो कर रखा है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि अब हमारा हलवा तकरीबन तैयार हो ही चुका है। बस 2 से 3 मिनट ही हम इसको अपना गैस पर रखेंगे, वरना अब हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया, रेड कलर। भाप बहुत हो रही है, भाप में नहीं दिख पा रही है, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया। तो जी हो गया हमारा यहाँ पर हलवा तैयार। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो जी देखिए जब घर में ऐसी चीज़ें बनती हैं तो अपनी आस पास में अपने रिश्तेदारों को अपने सबको देनी भी पड़ती है। तो बस अब हम करते हैं अपने हलवा देने की तैयारी। माशाल्लाह बहुत, देखिए मैंने हलवे वाली ही गाजर मंगवाई थी, तो इसलिए कितना प्यारा कलर आया, रेड कलर आया बिल्कुल। कह के मंगवा, अगर आप जब भी आपको हलवा बनाना हो तो आप कह के मंगवाइएगा कि हमें गाजर वाली, हलवे की गाजर वाली चाहिए, हमें गाजर का हलवा बनाना है, हमें वो वाली गाजर चाहिए। क्या क्या बोल रही हूँ मैं भी, दे निकालने के चक्कर में ध्यान मेरा उधर पहुँच गया। तो आपको वैसे ही गाजर आपका रेड बनेगा बिल्कुल, वरना वैसी होती है ना पीली पीली गाजर, वो इतनी अच्छी नहीं लग रही होती। बाजार से आप मंगा लो वो बरकत नहीं होती, जो घर के बनाने बनाई हुई चीज में बरकत होती है। क्या लोगे? तो बस देखिए मेरी रेसिपी क्या लोगे बेटा? लो हाथ में तो हाथ नहीं लगाना, गर्म हो रही है क्या ये?
ले लो ये काजू काजू। अच्छा बस तो देखिए अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें। आरफा बोल के बोलो कैसे कहना लाइक करो शेयर करो बोलो लाइक करना बाय बाय अल्लाह हाफिज। हाँ देखो जो बच्ची की बात सुनिएगा अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज बहुत मेहनत करिए सच में बहुत ज्यादा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन पे जाके टच करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सारी आपके पास पहुंचती रहे। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।